हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज क्वेश्चन। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। हमें जानते हैं कि कोई भी दो सर्कल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो किस कंडीशन में होंगे, अगर उनकी रेडियस सेम होगी। ओके, प्रूव दैट इक्वल कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबट्रैक्ट इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। हमें ये प्रूव करना होगा कि अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं इस तरह से एंड एक सर्कल है ये, ओके, तो हमने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिए हैं, दैट मींस इनकी जो रेडियस है, लेट्स से इसकी रेडियस है आर एंड इसका सेंटर ओ डैश है एंड इसकी रेडियस है एस। तो हमने ये लिया है कि आर एंड एस सेम है, दैट मींस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। तो इनमें ये पूछा गया है कि अगर कोई इक्वल कोण हमें दी जाती है, एक कोण इस तरह से एंड एक कोण इस तरह से, तो वो दोनों कोण जो एंगल क्रिएट करती हैं सेंटर पर, लेट्स से इसने एंगल क्रिएट किया 1 एंड इसने एंगल क्रिएट किया है एंगल 2, तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। कंडीशन क्या दी है कि ए बी कोण सी डी कोण के इक्वल है। ओके, दैट मींस इसकी लेंथ एंड इसकी लेंथ सेम दी गई है। सो हम यहाँ पर फर्स्टली लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। वी हैव रेडियस आर इज इक्वल टू रेडियस एस, ओके, एंड कोण ए बी इज इक्वल टू सी D, ओके, एंड नाउ टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें प्रूव करना होगा। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स क्रिएट हो गए हैं ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाय द सीपीसीटी हम ये कह पाएंगे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन द ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, ए बी कोण सी डी के इक्वल दी गई है। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, इट इज गिवन। ओके, एंड नाउ यहाँ पर ए ओ और बी ओ ये भी क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर एंड आर। सिमिलरली सी ओ डैश एंड डी ओ डैश ये भी इस सर्कल की रेडियस है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एस एस। तो आर एंड एस हमें इक्वल दी गई थी, सो यहाँ पर भी ए ओ सी ओ डैश के इक्वल कही जा सकती है एंड बी ओ डी ओ डैश के इक्वल कही जा सकती है। तो हम यहाँ पर ये पेयर्स लिख लेते हैं ए ओ इज इक्वल टू सी ओ डैश, बिकॉज सिंस यहाँ पर हमें दिया गया है आर इज इक्वल टू एस, तो इसकी वजह से ए ओ भी सी ओ डैश के इक्वल हो जाएगी एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ डैश सिंस आर इज इक्वल टू एस, ये हमें दी गई है। ओके, सो यहाँ हम देख सकते हैं ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। सो द ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, एंड नाउ बाय द सीपीसीटी हम ये कह सकते हैं कि इनके जो ये एंगल्स होंगे वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। So, it implies angle 1 is equal to angle 2 by CPCT. Hence, proof यही हमें प्रूव करना था। That means, अगर दो circles, congruent circles हैं, and उनके अंदर दो equal chords हमें दी गई हैं, तो वे equal chords, equal angle center पर create करती हैं, okay? तो इस तरह से हमने एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर दिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।